नमस्कार, मुत्कर्ष गहरवार और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बॉलीवुड खबरें में। तो आइए नज़र डालते हैं क्या कुछ खास घटा इस हफ्ते बॉलीवुड के गलियारे से। फिल्म खाली पीली जब से टीज़र और गानों के माध्यम से लोगों के बीच सामने आई है, तो कहीं डिसलाइक तो कहीं गाने के बोल के दिक्कत के कारण चर्चा का विषय बन गई है। आपको इस फिल्म के गाने बियॉन्से शर्मा जाएगी पर लोगों का गुस्सा याद होगा। उन्होंने बियॉन्से शर्मा जाएगी वाली लाइन पर काफ़ी रोष प्रकट किया था, यानी उन्हें इस लाइन से दिक्कत थी, कहीं इसमें रेसिज्म तो कहीं बियॉन्से का अपमान वगैरह वगैरह जैसे कारण दिए गए थे। अब डायरेक्टर मकबूल खान और इस पर्टिकुलर गाने के मेकर्स जो हैं, उन्होंने एक डिसीज़न लिया है। उन्होंने क्या डिसीज़न लिया है? उन्होंने अब बियॉन्से शर्मा जाएगी वाली लाइन हटा दी है। तो अब क्या आने वाली है? अब आने वाली है दुनिया शर्मा जाएगी। जी हाँ, मतलब अनन्या पांडे को देखकर अब बियॉन्से नहीं शर्माएंगे, अब दुनिया शर्माने वाली है। इसके साथ ही गाइस फिल्म का दूसरा गाना भी आ गया है, तहस नहस। जी हाँ, गाने का नाम है तहस नहस। तो इस हफ्ते फिल्म के दो गाने आए, बियॉन्से शर्मा जाएगी को दुनिया शर्मा जाएगी नाम से फिर से यूट्यूब में डाला गया है आप लोगों के लिए, और अब दूसरा जो गाना है वो है तहस नहस। तो गाइस शुरू हो जाओ डिसलाइक करने में, आपके पास दो अपॉर्चुनिटी हैं, तो आप इन्हें शुरू कर दो, क्योंकि और तो कोई काम है नहीं आपके पास। यही अचीव करते रहते हो बैठ के, तो यही सही, क्योंकि इन सब चीज़ों के कारण हमें लगता है सुशांत को न्याय मिल गया होगा। क्यों, हमें तो ये लग रहा। सुपरस्टार अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब का टीजर इस हफ्ते रिलीज हो गया है। खुद अक्षय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इसे शेयर किया। वैसे आपको बता दें, आपको पता ही होगा कि यह फिल्म इस महीने की 9 तारीख को आने वाली थी, पर कुछ तकनीकी कारणों के कारण अब इसे 2 महीने आगे खिसका दिया गया है। अब यह एक ऐतिहासिक डेट को आने वाली है, वो है 9 नवंबर 2020 यानी 9/11। टीज़र की बात करें तो टीज़र में अक्षय कुमार का जो अपीयरेंस को सेकंड के लिए आता है वो काफ़ी अपीलिंग है, और यह दर्शकों के मन में एक्साइटमेंट भर रहा है। शुरुआत एक वॉइस ओवर से होती है जिसमें एक व्यक्ति कहता है, आज से तेरा नाम लक्ष्मण नहीं लक्ष्मी होगा, और उसके बाद अक्की पाजी का एक लुक सामने आता है जो काफ़ी अपीलिंग है, जिससे लगता है कि फिल्म बहुत अच्छी होने वाली है। वैसे इंतज़ार एक बार फिर बढ़ गया है, जैसा कि मिर्ज़ापुर में हुआ था। मिर्ज़ापुर 2 भी हमें लगा था सितंबर में आ जाएगी, पर अब वो 23 अक्टूबर को आएगी। कुछ ऐसा ही हाल इसके साथ है, हमें लगा था सितंबर में आएगी, उसको बढ़ाकर नवंबर कर दिया है। तो मतलब सितंबर महीना खाली जाने वाला है यार। लोकसभा सांसद रवि किशन और राज्यसभा सांसद जया बच्चन के बीच अभी थाली वॉर खत्म भी नहीं हुई थी कि एक्टर कंगना रनौत ने इस बार उर्मिला मातोंडकर से पंगा ले लिया है। वैसे कंगना ने जब से फिल्म पंगा की है कुछ ज़्यादा ही पंगा लेने लगी है। तो कंगना ने उर्मिला को निशाने पर लेते हुए उन्हें सॉफ्ट पॉर्न स्टार करार दिया है। जी हाँ, कंगना ने कहा कि उन्हें एक्टिंग नहीं आती है, वो एक्टिंग के लिए नहीं जानी जाती हैं, वो एक सॉफ्ट पॉर्न स्टार है। मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था जिसमें वो मेरा अपमान कर रही हैं, मेरे स्ट्रगल का मजाक उड़ा रही हैं। वो ये सब इसलिए बोल रही हैं क्योंकि मैं बीजेपी से टिकट चाहती हूँ। वैसे उर्मिला ने कंगना को ड्रग्स के खिलाफ अभियान के बारे में सलाह देते हुए कहा था कि अगर कंगना ड्रग्स के खिलाफ अभियान शुरू करना चाहती हैं तो उन्हें इसकी शुरुआत अपने गृहनगर हिमाचल प्रदेश से करना चाहिए, जहाँ से वो बिलोंग करती हैं। वैसे कुछ ऐसा गलत नहीं कहा, ना ही इसमें कुछ मजाक उड़ाने वाली बात थी, पर हाँ, अगर कंगना के कान बज रहे हैं तो ओके। इतना बड़ा देश है, शहर में अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, किसी भी शहर में जाके अपना इलाज करा सकती हैं। दूसरी तरफ उर्मिला को ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है। अनुभव सिन्हा, तापसी पन्नू, सरीखे लोग उर्मिला की काफ़ी तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया में इन दोनों ने उर्मिला को काफ़ी प्रेस किया उनके बात के लिए, उनके बिहेवियर के लिए। दूसरी तरफ कंगना को आप देख ही रहे हैं, उर्मिला कुछ बोल रही हैं और कंगना कुछ सुन रही हैं, आपस में मेल नहीं खा रहे ना कुछ, है ना। बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त मुंबई के एक अस्पताल से डिस्चार्ज होकर दुबई के लिए उड़ान भर चुके हैं, जिसमें उनकी पत्नी मान्यता दत्त भी मौजूद हैं। इससे पहले मान्यता ने बच्चों और संजय के साथ एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें उन्होंने इमोशनल कैप्शन लिखा है। उन्होंने लिखा है, कोई मांग नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस हम साथ रहें हमेशा, भगवान को इसके लिए धन्यवाद। आपको बता दें कि संजय दत्त को लंग कैंसर के 4th स्टेज से जूझना पड़ रहा है और इसके इलाज के लिए दुबई की उड़ान भर चुके हैं। कल ही मान्यता दत्त ने पति संजय दत्त के साथ एक फ़ोटो पोस्ट की थी जिसमें उनके दुबई जाने की सूचना मिली है।
वैसे हम हमारा चैनल और देश के बाकी लोग जो संजय दत्त को इतना चाहते हैं, इतना प्यार करते हैं, संजय की लंबी आयु की कामना करते हैं, उन सब की तरफ से हम चाहते हैं कि संजय दत्त जल्दी स्वस्थ हों और फिर से काम पर लौटें, क्योंकि संजू बाबा के फैंस इस घटना या इस न्यूज़ के बाद से काफ़ी दुखी हैं। अपने ज़माने की महान अदाकारा शबाना आज़मी का 70वां जन्मदिन है। सबसे पहले तो उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। पति जावेद अख्तर, बेटी जोया अख्तर और बेटे फरहान अख्तर ने भी उन्हें आज जन्मदिन की मुबारकबाद दी। आपको बता दें कि शबाना आज़मी अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए हमेशा से जानी जाती रहीं और आज तक लाखों करोड़ों के दिलों पर राज करती आईं। उनकी फिल्मों में सोनम कपूर के साथ फिल्म नीरजा, 2007 में आई फिल्म हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड, 1983 में आई अवतार और 1976 यानी 1976 में आई फिल्म फकीरा आज तक लोगों के जहन में है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगर आया हो पसंद तो स्क्रीन को मिनिमाइज़ करिए क्योंकि देख रहे होंगे आप फुल स्क्रीन में, और चैनल को करिए हमारे सब्सक्राइब क्योंकि जब करेंगे सब्सक्राइब तभी तो हम आपके पास सीधे पहुंचेंगे एक नोटिफिकेशन के साथ। नमस्कार।